A very good evening, students. Next question, a plane surface in shape of a square of side 1 cm is placed in an electric field. E equals to this. Electric field कौन सी डायरेक्शन में? I डायरेक्शन में. Such that the unit vector which is normal to the surface is given by this. Find the electric flux. अब मैंने इसका डायग्राम बना के रखा हुआ है. ओके? तो पहले डायग्राम समझते हैं कि इस क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम कैसे बनेगा. तो ये देखिए, ये मेरा स्क्वायर है. दिस इज माई स्क्वायर. आपको लग नहीं रहा होगा, आपको ये रेक्टेंगल जैसा लग रहा होगा, बट ठीक है, इसको स्क्वायर समझ लीजिए, जिसकी साइड उन्होंने देके रखी है 1 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये मेरी प्लेन सरफेस है. तो एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के कैसे होता है? परपेंडिकुलर होता है. तो अगर मेरा ये टेढ़ा रखा हुआ है, तो इसका, जैसे प्लेन मेरा ऐसा रखा हुआ है, तो इसका यूनिट वेक्टर भी ऐसे करके जाएगा. ठीक है, तो इसका देखिए यूनिट वेक्टर ऐसे है. ओके, दिस इज द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन. ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में क्या है मेरा यूनिट वेक्टर. अब उन्होंने बोला है कि यूनिट वेक्टर की कुछ इस ये वाली इक्वेशन है, मतलब 0.8i. तो इसका अगर कंपोनेंट आप एक्स डायरेक्शन में देखेंगे, तो ये देखिए, ये एक्स डायरेक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आई में जा रही है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो 0.8i होगा, और इसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो 0.6k हो जाएगा. ठीक है, अब जितना यहां पे मैंने इतना यहां पे उसको कॉपी कर लिया है. ओके, ये कितना, इसका प्रोजेक्शन अगर y एक्सिस में देखा जाए तो 0.6k. अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल वुड बी थीटा. ओके, हम ये थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं. अब अगर जिस बच्चों को ये थीटा वाली मेथड पसंद नहीं आई, तो मेरे पास सेकंड मेथड भी, हम वो देखेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा. ओके, तो हमारे पास स्क्वायर की साइड देके रखी है. साइड ऑफ द स्क्वायर, सबसे पहले तो देखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, 1 सेंटीमीटर और 10^-2 मीटर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसको मैं ए नाम दे रही हूं, दैट वुड बी साइड इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब 10^-2 इंटू 10^-2 का स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर होता है, तो 10^-4 मीटर स्क्वायर. ये आ गया एरिया ऑफ द स्क्वायर, आपके पास आ चुका है. ओके, अब टेन थीटा निकाल लेते हैं. तो टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो डायग्राम में देखिए, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, करेक्ट, ये थीटा है ना, तो ये बेस होगा एंड दिस वुड बी माय परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर कितना है? 0.6, दैट इज 0.6 डिवाइडेड बाय 0.8. ओके, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 3 6 2 4 8, मतलब ये 3 और 4 का है बन रहा है. और ये फेमस हमारे पास ट्राइंगल है. कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं इसको? ये वाला ट्राइंगल, सबने पढ़ के रखा हुआ है ना. और जिसने नहीं भी पढ़ा हुआ तो डोंट वरी, मेरे पास सेकंड मेथड भी है. ये 3, 4 और 37 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, करेक्ट. तो एंगल कितना बनेगा? 37, छोटा एंगल, सामने भी छोटा वाला साइड आएगी. ओके, तो अब थीटा निकल गया. अब अगर मेरे पास थीटा आ गया, तो मैं फाइव फ्लक्स निकाल सकती हूँ. फ्लक्स कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर. ठीक है, अब ई डॉट ए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी है? 100 न्यूटन पर कूलम इन आई डायरेक्शन. और एरिया वेक्टर कहाँ पे? एरिया इज माई 10^-4, करेक्ट है. और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 37, यानी कौन सा एंगल? कॉस 37, क्योंकि डॉट हटाएंगे तो कॉस 37 लगाएंगे. तो ये कितना आ जाएगा? 10^-2, है ना, 100 × 10^2. और कॉस 37 क्या होता है? कॉस 37 होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस. अब ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, मतलब 4/5, करेक्ट है. और ये 4/5 करेंगे तो 5 × 8 = 40, यानी 0.8 × 10^-2 हो जाएगा, करेक्ट. तो ये आ गया आपका 4 × 5 = 40, 0.8. और अगर आप इसको शिफ्ट करना चाहें, मतलब अगर, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में जनरली आंसर देना होता है, तो अगर 8 लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10^-3, यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ठीक है, अब हम सेकंड मेथड देख लेते हैं. सेकंड मेथड जो कि विदाउट थीटा वाली है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो फ्लक्स होता है हमारा ई डॉट ए. ठीक है, ई कितना है मेरे पास? 100i इन आई डायरेक्शन. डॉट एरिया कितना है मेरे पास? देखिए, ये एरिया वेक्टर है, मतलब इसके पास भी डायरेक्शन तो होगी, और इसकी डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर एन से डिनोट करते हैं. तो कुछ नहीं करना, इसकी डायरेक्शन रख देते हैं हम, 0.8i प्लस 0.6k, ये तो डायरेक्शन हुई. याद रखिए, वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है. तो ये तो डायरेक्शन हुई,
तो इसका एरिया मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एरिया का मैग्नीट्यूड यानी क्या, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर दैट इज 10^-4, करेक्ट, यही था ना 10^-2 का स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10^-4, ठीक है, मतलब 100, वापस से लिख देती हूँ मैं, 100i डॉट 0.8i प्लस 0.6k मल्टीप्लाई बाय 10^-4, क्योंकि एरिया का मैग्नीट्यूड हमारे 10^-4 निकला और ये पूरी डायरेक्शन है ना, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे यहाँ पे, तो इसका इसका ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0.8 इंटू तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और इंटू 10^-4, और इसको थोड़ा सा प्यार से लिखेंगे तो 10^-3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।